नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक कक्षा दसवीं के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल कारण अज्ञात बताया जा रहा है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवो अस्पताल पहुंचाया है। मामला इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का है। क्षेत्र का रहने वाला कक्षा दसवीं का छात्र अनिकेत वर्मा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अनिकेत ने आत्महत्या क्यों की इसका कारण अज्ञात बताया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक वो रात तक ठीक था और अपने परिजन के साथ खाना भी खाया था, लेकिन जब सुबह उठा तो देखा कि अनिकेत फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। फिलहाल अनिकेत ने फांसी क्यों लगाई इसका कारण उसके स्कूल से ही पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। अनिकेत वर्मा वो पढ़ाई करता था, मेरिट क्लास में था अपने नंदा नगर में। मालवा मिल क्षेत्र का निवासी है, इंदौर समाचार के पास घर है। क्या करा इसने? सुसाइड कर लिया था। कैसे? उसने फांसी लगाई है। कब की घटना? ये आज जैसे रात में कब लगाई ये तो नहीं मालूम पड़ा, जब मॉर्निंग में उठे उसके मम्मी पापा तब मालूम पड़ा। क्या कारण है? कारण तो कुछ भी नहीं था, 15 साल का बच्चा है, थोड़ा ना समझ ही समझो उसको इतनी उम्र में। तो प्लस ये है कि जैसे कि स्थिति तो उसकी ऐसा किसी भी मामले में नहीं लग रहा था कि जैसे डिप्रेशन का शिकार है या कोई विवाद हो या घर में कोई परेशानी, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्लस ये है कि घर में जो मीडियम वर्गी के थे उस स्थिति में, मतलब उसने रात को खाना भी, उसके पापा आए सब्जी बेच के शाम को, तो उनने खाना रात को 11:30 बजे खाना भी गर्म करा, इनने साथ में खाना आना खाया। काफ़ी कुछ मतलब ऐसा देखने में नहीं आ रही है कि कहीं से कहीं तक कोई परेशानी हो। नहीं, उसका 1 महीने से मोबाइल फूट गया था। तो क्या मोबाइल फूटने? नहीं, ऐसा नहीं है, मोबाइल नहीं। बस एक बार मेरे को स्थिति जानने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, जो कि हम गए नहीं कि स्कूल में क्या है क्या नहीं। कुछ जहाँ तक मैटर मेरे को लगता है अपन स्कूल में जाकर मैडम और कुछ बच्चों से जानकारी लेंगे कि क्या था, कुछ पढ़ाई के मामले में डिफरेंस था क्या था। कौन सी क्लास में था? 10वीं में था सर। आपको? मैं उसका मामा का लड़का, मतलब मेरा भाई है वो। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी।